Afternoon everyone. So today we are going to start with the question number 4 of exercise 5.1, that is, which of the following are the APs? If they form an AP, find the common difference and write 3 more terms. ये देखिए हर एक पार्ट में 4 टर्म्स आपको गिवन है और उसके आगे डैशेस लगे हुए हैं. तो आगे आपके अगर ये एपी फॉर्म करते हैं, अगर आपने चेक करना है, अगर एपी फॉर्म कर लेंगे तो 3 टर्म्स और लिखनी है आपने. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है 2, 4, 8, 16. तो फर्स्ट टर्म इज 2, कॉमन डिफरेंस आपने चेक करना है. तो कॉमन डिफरेंस में आपने लिखना है a2 - a1. ये देखिए a1 फर्स्ट नंबर पे, उसको a से ही डिनोट करते हैं, a2, a3 and a4. तो डिफरेंस इज इक्वल टू a2 - a1, तो 4 - 2 इज इक्वल टू 2. a3 - a2 इज 8 - 4 इज इक्वल टू 4 एंड a4 - a3 इज इक्वल टू 16 - 8 इज इक्वल टू 8. हर एक बार में जब हमने इसको माइनस किया तो जो डिफरेंस है वो डिफरेंट आ रहा है. ठीक है, एक बार 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 8 आ रहा है, तो डिफरेंस जो है वो अनइक्वल है. तो इट इज नॉट द कॉमन डिफरेंस, सो इट डजंट फॉर्म एन एपी. अगर डिफरेंस सेम आता तो इट बिकम्स अ कॉमन डिफरेंस, सो इट फॉर्म्स एन एपी. अब फिफ्थ पार्ट की है, इसके बाद मैंने 3, 3+√2, 3+2√2 and so on. तो इसमें भी फर्स्ट टर्म किसके इक्वल आ जाएगी, 3 कॉमन डिफरेंस दैट इज इक्वल टू a2 - a1. तो 3+√2 - 3, 3 से 3 कट हो गया, तो दैट इज इक्वल टू रूट टू. नेक्स्ट इज a3 - a2, 3+√2 - 3. ये देखिए 2 टर्म्स आ दिया, 3+√2, तो माइनस किया आपने, ये कट हो गया, 3 से 3, 2√2 - √2 इज इक्वल टू 2. अब ये दो टर्म्स में तो कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है. थर्ड टर्म देखिए, 3+√2 - 3+√2, 3 से 3 कट हो गया, 3√2 - 2√2 इज इक्वल टू रूट टू. तो हर एक केस में जो डिफरेंस है वो सेम है, दैट इज द कॉमन डिफरेंस, तो इट फॉर्म्स एन एपी. अगर ये एपी फॉर्म करता है तो 3 टर्म्स आपने और लिखनी है. तो ये पैटर्न चेक करिए, 3+3+√2, 3+2√2 और कॉमन डिफरेंस आपने रूट टू का निकाला है. नेक्स्ट टर्म आपको क्वेश्चन में गिवन है 3+3√3. ठीक है, ये आपको गिवन थी, 3+3√2 ये गिवन है. तो नेक्स्ट क्या होगी, 3+4√2, उससे नेक्स्ट 3+5√2. रूट टू जो है वो प्लस करते जाना है, 5√2 में प्लस किया तो 6√2 आ गया, तो 3 टर्म्स ही आ गए. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट आई हैव टेकन दिस 8th पार्ट, -half, -half, -half and -half, a इज इक्वल टू -1/2, d इज इक्वल टू, कॉमन डिफरेंस आप देखिए -1/2, -1/2, जब इसको माइनस किया सेम टर्म्स हैं तो वो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 0. तो कॉमन डिफरेंस जो है वो हर एक टर्म के लिए 0 आ जाएगा, तो इट फॉर्म्स एन एपी. तो अदर फॉर्म्स भी जो आप लिखेंगे, अदर टर्म्स, वो भी क्या होंगी, -1/2 + 0, -1/2, -1/2 आ गया, फिर -1/2 + 0, फिर से सेम टर्म आ गई, तो 3 टर्म्स भी क्या होंगी, सेम. ठीक है, कांस्टेंट टर्म्स आ रही है. नेक्स्ट पार्ट दैट इज 12th पार्ट, √2, √8, √18, √32. तो रूट टू कैन बी रिटन एज रूट टू. रूट एट को किस तरह से लिखते हैं, 4 2 8 एंड 4 इज अ परफेक्ट स्क्वेयर एंड इट्स स्क्वेयर रूट इज 2. तो 2√2, 9 2 18 और स्क्वेयर रूट ऑफ 9 इज इक्वल टू 3. 3√2, 16 2 32, तो ये बन जाएगा 16 का स्क्वेयर रूट 4, 4√2 एंड सो. तो हियर द फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू रूट टू, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 2√2 - √2, दैट इज इक्वल टू रूट टू. 3√2 - 2√2 इज इक्वल टू रूट टू. तो कॉमन डिफरेंस भी जो है वो सेम आ रहा है, तो इट फॉर्म्स एन एपी. तो नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट थ्री टर्म्स आपने लिखनी है. तो √2, 2√2, कॉमन डिफरेंस रूट टू का है, तो 2√2 में 1+√2 को प्लस किया तो 3√2 आ गया, 3√2 में रूट टू को प्लस किया तो 4√2 आ गया, 4√2 में रूट टू को प्लस किया तो 5√2 आ गया, फिर 6√2 आ गया, फिर और √2 को प्लस किया तो 7√2 आ गया, तो 3 टर्म्स ही आ गए. लेकिन जो आपको क्वेश्चन था ना, वो √2 की फॉर्म में नहीं था, आपने इसको पूरा सॉल्व करना है. स्क्वेयर रूट के अंदर जाके 5 का क्या बन जाएगा, 5 5 = 25, 25 2 = 50, 6 6 = 36, 2 = 72, 7 7 = 49, 2 = 98. ठीक है, नेक्स्ट 3 टर्म्स आ गए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो लिया मैंने 1 square, 3 square, 5 square, 7 square, तो वो कैसे लिख सकते हैं, 1 9 25 49. जब आप इसमें से फर्स्ट टर्म तो a के इक्वल है, जब आप कॉमन डिफरेंस निकालोगे तो 9 - 1 = 8, नेक्स्ट इज 25 - 9 = 16 आ रहा है,
49 में से 25 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 24. तो कॉमन डिफरेंस जो है वो डिफरेंट आ रहा है, तो इट डजेंट फॉर्म एन एपी, तो एपी को फॉर्म नहीं करता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है ए स्क्वेयर ए क्यूब ए रेज टू पावर 4. फर्स्ट, क्योंकि ये स्मॉल लेटर ए में है तो हम इसे कैपिटल से डिनोट करेंगे. फर्स्ट टर्म कैपिटल ए ले लिया, दैट इज इक्वल टू ए, कॉमन डिफरेंस इज कैपिटल डी. सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस किया, ए स्क्वेयर माइनस ए, तो ये ए इंटू ए माइनस वन आ गया. ए क्यू माइनस ए स्क्वेयर किया तो ए स्क्वेयर इज कॉमन, ए माइनस वन आ गया. ए फोर में से ए थ्री को किया तो ए रेज टू पावर 4 माइनस ए क्यूब आ गया, ए क्यूब कॉमन निकाला, ए माइनस वन आ गया. ठीक है, तो हर एक केस में जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, डिफरेंट है, तो इट डजंट फॉर्म एन एपी. ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन करने हैं. इसके कुछ पार्ट्स मैंने आपको करवा दिए हैं, बाकी जो पार्ट्स बचे हैं वो आप खुद ट्राई करेंगे, कोई प्रॉब्लम होगी तो पूछ लें. ठीक है, नेक्स्ट है आपका nth टर्म ऑफ एन एपी. nth टर्म ऑफ एन एपी, तो उसके लिए क्या है कि nth टर्म क्या होती है, nth टर्म को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं. nth टर्म उसे ही लास्ट टर्म भी बोलते हैं, और उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल लेटर ए और नीचे उसके लिखना है एन, ए एन, और ये लास्ट टर्म. लास्ट टर्म का मतलब होता है जो लास्ट में लिखी होती है. आपको एक सीक्वेंस गिवन है और जो सबसे लास्ट में लिखी होगी वो लास्ट टर्म होगी, उसको ही nth टर्म बोलते हैं. उसके लिए फॉर्मूला है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगा के हमने वर्कशीट 5.2 के सम्स को सॉल्व कर रहे हैं. फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो बॉक्सेस गिवन है, तो उसके कुछ पार्ट्स मैं आपको बता रही हूँ. फर्स्ट है आपका ए इज इक्वल टू 7, ये बॉक्स आपको गिवन है, और जिनकी वैल्यूज आपको गिवन नहीं होगी, डैशेस लगे हुए, वो वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी. ए इज इक्वल टू 7, डी इज इक्वल टू 3, एन इज इक्वल टू 8, एंड ए एन इज नॉट गिवन, मीन्स यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एन. यू हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, वैल्यू पुट कर देनी है. 7 प्लस 8 माइनस 1 इंटू 3, 7 प्लस 21, 8 माइनस 7 इज 7, 7 3 इज 21, दैट इज इक्वल टू 28. ठीक है, तो ए लास्ट टर्म जो है वो 28 के इक्वल आ गई. ठीक है, ये आपने निकालनी थी. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका माइनस ए इज इक्वल टू माइनस 18, डी इज इक्वल टू नॉट गिवन, एंड यू हैव टू फाइंड द कॉमन डिफरेंस हियर, एन इज इक्वल टू 10 एंड ए एन इज इक्वल टू 0. लास्ट टर्म इज इक्वल टू 0, तो ए एन इज इक्वल टू, फॉर्मूला अप्लाई किया, पूरी वर्कशीट के लिए सेम फॉर्मूला है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए एन इज इक्वल टू 0 माइनस 18 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, 0 इज इक्वल टू माइनस 18 प्लस 90, 90 इज इक्वल टू 18 एंड डी इज इक्वल टू 2. ठीक है, ये इसके टू पार्ट्स मैंने किए हैं, सेम फॉर्मूला आपने अप्लाई करना है, और ये क्वेश्चन जो थ्री पार्ट्स बचे हैं वो आपने खुद करने हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकेंड क्वेश्चन, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाइड. 10, 7, 4 आपको ए के एपी गिवन है, और 30th टर्म निकालनी है. 30th टर्म का मतलब है ए 30. ठीक है, nth टर्म का मतलब है ए एन, तो 30th टर्म का मतलब है ए 30. सेकेंड टर्म का मतलब है ए 2. थर्ड टर्म का मतलब है ए 3. ठीक है, जो भी टर्म होगी ना ए के नीचे जो है वो उसको लिख देना. तो 30th टर्म आपको निकालनी है. यहाँ इस सीक्वेंस से आप निकालोगे कि फर्स्ट टर्म किसके इक्वल है, ए इज इक्वल टू 10, कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा, 7 माइनस 10, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ए 2 माइनस ए 1 या ए 3 माइनस ए 2. ये देखो ए 3 माइनस ए 2 भी 4 माइनस 7 है, ए 2 माइनस ए 1 करें तो 7 माइनस 10 दैट इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस 3. ठीक है, एक ही बार करना, आपने बार बार नहीं करना. तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन जो है ए 30 निकालना है, तो इसका मतलब एन की वैल्यू क्या है 30, ए 30 इज इक्वल टू ए प्लस 30 में से 1 को माइनस करना है बस 29d. तो 10 प्लस 29 इंटू माइनस 3, 10 माइनस 87 इज इक्वल टू माइनस 77. तो थर्ड ऑप्शन है ये. नेक्स्ट पार्ट है इसका 11th टर्म आपने फाइंड आउट करनी है, और सीक्वेंस है आपके पास माइनस 3 माइनस 1 बाय 2 2 एंड सो ऑन. तो फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू माइनस 3, कॉमन डिफरेंस इज माइनस 1 बाय 2, माइनस 3 करेंगे इसे तो ब्रैकेट यूज करेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस 1 जाएगा, 2 इज द एलसीएम, माइनस 1 प्लस 6 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 5 बाय 2. तो 11th टर्म क्या होगी, a प्लस 10d माइनस 3 प्लस 10 इंटू 5 बाय 2, 2 से 10 को कट कर देना, माइनस 3 प्लस 25 इज इक्वल टू 22 के इक्वल आ जाएगा. ठीक है, तो यहां तक आपने कंप्लीट कर लेना है, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे. थैंक यू.